नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त खबर असरदार का हो गया है, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ये बैठक हो रही है। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर इस बैठक में मोहर लग जाएगी। 10 राज्यों की 60 सीटों पर मोहर लगाने की बात कही जा रही है। दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना के प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। इसमें केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा का नाम भी शामिल है। मेघालय, मणिपुर और सिक्किम पर भी सीईसी की इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर मोहर लग सकती है। कौन होंगे प्रत्याशी? लगभग 6 सीटों पर तो नाम फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि वहां से सिर्फ एक एक नाम ही सामने आए थे, लेकिन बाकी बची 5 सीटों पर ही जल्दी फैसला हो जाएगा। और सीईसी की इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मोहर लग जाएगी। 10 राज्य, 60 सीटें जिन पर ऐलान हो जाएगा, यानी कि मोहर लग जाएगी। और कौन कौन से हैं वो 10 राज्य? दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, ये नाम सामने आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मुकाबले की, किनके बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन। तो बीजेपी के तोखन साहू सीट बिलासपुर, तोखन साहू के सामने कांग्रेस उतार सकती है टीएस सिंहदेव को। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली सीट बस्तर की, जहां से महेश कश्यप बीजेपी के उम्मीदवार, उनके सामने दीपक बैज हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और अब बात राजनांदगांव की कर लेते हैं, जहां से संतोष पांडे के सामने मैदान में कांग्रेस उतार सकती है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को। कोरबा से बीजेपी ने कर दिया है सरोज पांडे के नाम का ऐलान, जहां से इस समय सांसद हैं ज्योत्सना महंत, और उनके ही दोबारा रिपीट कर सकती है कांग्रेस, से जानकारी मिल रही है। दुर्ग की बात करते हैं, तो दुर्ग में विजय बघेल के सामने ताम्रध्वज साहू मैदान में हो सकते हैं। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से नाम, वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। श्रीनगर में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार श्रीनगर पहुंचे। बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान घाटी में आए बदलाव का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक परिवार इसका लाभ उठा रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई अब जान चुकी है। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने प्रदेश में रिकॉर्ड पर्यटन का जिक्र भी किया। आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं है, वादियों में घूमने आते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि विकसित जम्मू कश्मीर ही विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर को पीएम ने भारत का मस्तक करार दिया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जम्मू के साथ ही घाटी में भी बीजेपी इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो 370 का चुनाव का कनेक्शन क्या है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी का 370 से ज्यादा सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए का नारा है 405 सीट लाने का लक्ष्य। 2019 में एनडीए को मिली थी 353 सीटें। जम्मू कश्मीर में धारा 370 बना इतिहास। 370 को हटाने का बीजेपी ने अपना पुराना वादा पूरा किया और 370 के टारगेट से यह मुद्दा चुनाव में जिंदा रहेगा। जनता के बीच ये भावनात्मक मुद्दा बना रहेगा, इसलिए हर बूथ से 370 वोट बढ़ाने की बात बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को कह दी है। बढ़ते आगे बात कांग्रेस की। राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी दी है। क्या है वो गारंटी और क्या बदलेगा उससे चुनावी समर, इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर घर, उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। राजस्थान में रीट और परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होने को, इसलिए लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटियों के ऊपर सब विश्वास। चुनावी मौसम में गारंटियों के बाहर है, हर तरह से लोगों को साधने के लिए वादे और भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इस गारंटी की सियासी लड़ाई में अब राहुल गांधी ने भी मरुधरा की जनता को 5 गारंटी दी है। साथ ही राजस्थान के बांसवाड़ा से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ सियासी प्रहार भी किए कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। वहीं खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और फिर युवाओं को पेपर लीक से निजात दिलाने की बात कह डाली। पेपर लीकेज से मुक्ति, आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत। कांग्रेस ने राजस्थान के युवाओं को वो गारंटी दी है जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को बार बार सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन वही बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की गारंटी पर प्रहार किया है। कांग्रेस भले ही युवाओं को गारंटी दे रही हो, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं हुई, उससे कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी। लेकिन चुनावी मौसम में एक बार फिर गारंटियों की बहार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान। तो 5 गारंटी राहुल गांधी ने क्या दी है वो आपको बताते हैं। 30 लाख नौकरी की गारंटी का ऐलान राहुल गांधी ने किया है, चुनावी समर का ऐलान राजस्थान के बांसवाड़ा से। राहुल का नया दाव यह है कि 30 लाख नौकरी की गारंटी की बात राहुल गांधी ने कही है। युवाओं के लिए पक्की नौकरी की गारंटी राहुल गांधी ने दी। पेपर लीक जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उनसे मुक्ति का वादा राहुल गांधी ने युवाओं से किया है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर गारंटी और स्टार्टअप के लिए कोष बनाने का वादा राहुल गांधी ने किया है अपनी इन 5 गारंटियों। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान होते ही हलचल बढ़ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुना में राजा वर्सेस महाराज के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। बात वही है
कि ज्योतिराज सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं के शरण में चले गए, ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना विचार है। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए, क्योंकि वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी। ये कांग्रेस के पास न नेता, न नीति, न विचार, कांग्रेस का अपना मत है, उनको जिसको लाना लाना, वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत कौन की बच पाए। इस बात में कांग्रेस लगी हुई है और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो विजन है 2047 का जो लक्ष्य है, और वर्तमान की जो परिस्थितियां उससे स्पष्ट तय है कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वैसे गुना सीट के इतिहास पर नजर डालें तो यहां हमेशा किसी का वर्चस्व नहीं रहा है। साल 1952 के चुनावों में गुना सीट से हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे जीते थे। साल 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विजय राजे सिंधिया और राम सहाय पांडे जीते। साल 1967 के चुनाव में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में आई थी और साल 1971 में यह भारतीय जनसंघ का उम्मीदवार जीता। इसी तरह कभी कांग्रेस तो कभी कभी बीजेपी के हिस्से में सीट आती रही है। बीते दौर का सिंधिया रियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम से जाने जाते हैं और इलाके के लोग दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहते हैं। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए तो गुना में राजा वर्सेस महाराजा का मुकाबला दिलचस्प होगा। तो आप दोनों के ही थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोनों ही पूर्व शाही परिवारों से आते हैं। सिंधिया आते हैं ग्वालियर से और राघोगढ़ से आते हैं दिग्विजय सिंह। 1802 की अगर बात करें तो दोनों ही घरानों के बीच बकायदा युद्ध भी हुआ था 1802 में, और तब से ही दोनों ही घरानों के बीच में अदावत चलती आ रही है। आजादी के बाद ग्वालियर का भारत में विलय हुआ और अब अगर कांग्रेस अनाउंस कर देती है दिग्विजय सिंह को गुना से अपना उम्मीदवार, तो ये जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की वो और दिलचस्प हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी की। जी हाँ, खुशी उन्हें क्यों हुई, क्योंकि एक गुड न्यूज उनके लिए आई है केंद्र कैबिनेट की ओर से। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया है। 1 जनवरी 2024 से इस फैसले को अमल में लाया गया है। तो वहीं मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। केंद्र कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा और अब साल भर में 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है, इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो दे डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को
तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। बढ़ते आगे, धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 12 घंटे के सर्जरी के बाद एक शख्स को नई जिंदगी मिल गई। जो जिंदगी से ना उम्मीद था, उस शख्स को डॉक्टर से नई उम्मीद दी है। अब वो पहले की तरह अपने हाथ की कलाकारी दिखा पाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पुरुष का शरीर, महिला के हाथ, 12 घंटे की मेहनत, फिर हुआ चमत्कार। दुनिया का पहला डबल हैंड ट्रांसप्लांट अब फिर दिखाएगा हाथ की कलाकारी। मेडिकल साइंस में चमत्कार होते रहते हैं। मौत के मुंह में जाते लोगों को डॉक्टर नया जीवन देते हैं। कुछ ऐसा ही दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने कर दिखाया। डॉक्टर्स ने एक शख्स के हाथों का ट्रांसप्लांट किया है। एक हादसे में इस शख्स ने अपने दोनों ही हाथ खो दिए थे। सर्जरी कर डॉक्टर्स ने एक महिला के हाथ इस मरीज को लगा दिए हैं। नहीं, टफ नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम लोग क्या है कि रीप्लांट जो जिन लोगों के हाथ वगैरह कट जाते थे उनको हम पहले से भी जोड़ रहे हैं उन्हीं के हाथों को, तो हमारे लिए टफ नहीं था। पर हमारे लिए टफ ये था कि क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांट है ये हमने पहली बार किया था, तो इसलिए उसमें प्लानिंग और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि दूसरे का हाथ निकालना, फिर उसको उस लेवल पे हम उस सारी स्ट्रक्चर्स को देखना और फिर जिसके लगाना है उसकी स्ट्रक्चर को देखना और टाइम को मिला करके सारी स्ट्रक्चर को जोड़ना, वो एक टाइम का एक है। तो हमारे पास बहुत अच्छी, बहुत एक्सपर्ट टीम है हमारे डॉक्टर्स की। जो पेशे से पेंटर इस शख्स के साथ साल 2020 में एक हादसा हो गया जिसमें उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। हाथ नहीं होने के बाद उसके बाद जिंदगी से उसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैम, 2020 में जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक रेलवे ट्रैक पे हुआ था। वो क्रॉसिंग के टाइम पे उनको इस चीज का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो उनके हाथ दोनों चले गए। लेकिन कहते हैं ना, चमत्कार कब हो जाए पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रेन हैमरेज की शिकार एक महिला की मौत हो गई थी। महिला ने अंगदान की शपथ ली हुई थी। उसकी शपथ इस शख्स के लिए वरदान बन गई। महिला के हाथों ने पेंटर के सपनों को एक नई उम्मीद दे दी है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है शायद हमारे बीच में आप ही आ गई हैं, वो हमें ब्लेसिंग देने के लिए भी। और वो बहुत वर्क हार्ड थी, बहुत मेहनत करती थी, सब में रंग भर के गई है। हालांकि ये डॉक्टर्स की टीम की मेहनत के बिना मुमकिन नहीं हो पाता, जिन्होंने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर्स को सर्जरी करने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। साहस की एक शानदार कहानी है और मानवता का एक उदाहरण भी है। वो बेहतर जीवन जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था, लेकिन हाथों के सफल ट्रांसप्लांट के बाद अब वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है। डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत से ही ये मुमकिन हो पाया है। चैलेंज बहुत ज्यादा था क्योंकि डोनर मिलना, परमिशन लेना, लेकिन ये अपने आप में एक करिश्मा है। सिर्फ सर्जरी ही करिश्मा नहीं है, पर जिस तरीके से डोनर मिल गया और उसके बाद जो है रास्ते बनते गए, परमिशन मिल गई, और सबसे बड़ी जो डोनेशन में बहुत दिक्कत आती है वो भी हो गई। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18, दिल्ली।